घर से अपनी हेलमेट को लेके अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो अपने साथ दो भाई और जुड़ चुके हैं, मैं आपको सीधा उनसे मिलवाता हूँ। तो ये रही जुनेद भाई की आरएस, ये अपने ताबिश भाई की, और ये अपने साजिद भाई की। अभी मैं आया था यहाँ साजिद के घर पे, और मेरे साथ ही अभी हारून भाई भी ना। मैंने अपनी हेलमेट यहीं पे खोल के अनबॉक्सिंग करने का ट्राई करूंगा यहीं पे हम अपनी हेलमेट की ना अनबॉक्सिंग करेंगे, और बाकी जितनी भी और हेलमेट्स हमारे ग्रुप की है ना वो भी दिखाऊंगा तुम्हें कि किसके पास कौन सी हेलमेट है। पहले मिलते हैं हम हारून भाई से, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, क्या हाल है आपका? ठीक हो? बढ़िया। ये इंट्रो मुझे कुछ पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, क्या हाल है आपका? बढ़िया। ठीक हो बढ़िया। खैरियत है? अपने हारून भाई, अपने हारून भाई वाले, ठीक है? इनके लीन में दिखाऊंगा तुम्हें बाद में। तो हारून भाई की भी हेलमेट यहीं पे है, साजिद भाई की भी हेलमेट यहीं पे है। तो गाइस ये रही अपने हारून भाई की हेलमेट, जीविका ब्रांडिंग वाली डाली हुई है, ओरिजिनल हेलमेट, बात ही मत करो। तो देख सकते हो तुम ये हेलमेट लगा के कैसा फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब फुल ब्लैक तुम्हें मिलेगी। और अभी एक और हेलमेट है साजिद भाई की, साजिद भाई की हेलमेट S3 की, आराम से नाम एक पुश के थ्रू खोल सकते हैं। और कल वाले व्लॉग में मेरे पास यही वाली हेलमेट थी, और ये चीज देख सकते हो कितनी मस्त लगती है, इस हेलमेट की प्यारी लगती है ये। तो हारून भाई क्या बोलते हैं, इनको अपनी हेलमेट दिखाई जाए? बिल्कुल अभी, अभी पक्की बात है। हाँ, वैसे मैंने हेलमेट जबरदस्त लग रही है। वैसे मैंने अभी हेलमेट सामने रखी है। तो गाइज ये रही मेरी हेलमेट, क्या वेगा की, अभी तो क्या वो ब्रांडिंग टैग भी नहीं उतारा। तो हेलमेट कैसी लगी, और थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स अगर आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो रोल मॉडल ये रहे हारून भाई, हालत देख ही सकते हो क्या हो जाती है भाई गर्मी में। मैं तो अभी शर्टलेस हो गया, मैं शर्ट वर्ट उतार दिया भाई, अभी बॉडी वॉडी है नहीं तो आप लोगों को क्या दिखाएं। जब चैनल मोनेटाइज करो तो आगे जिम विम के पैसे बने, जाके हम जिम वगैरह करें, बॉडी वॉडी बनाएं और आप लोगों को भी दिखाएं, क्या बोलते हो? बाकी तुम हेलमेट देख सकते हो, वेगा भी मैंने ली थी हेलमेट। तो अभी देखो ना यार, गर्मी है ना, गर्मी में बंदा बाहर जाके क्या सिनेमैटिक शॉट लेगा यार, हालत खराब हो जाती है घर में ही, हालत खराब हो गई। क्यों हारून भाई? बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही, गर्मी से फट रहे हैं हम, और ऊपर से लाइट भी नहीं। सैड लाइफ। अभी ना सबसे प्यारी चीज़ पता क्या है, इस ब्रांडिंग का जो स्टिकर लगा ना ये उतारना, इसकी आवाज़ ही बड़ी प्यारी होती है यार। हारून भाई शुभ काम आप ही करो। तैयार हो? तैयार पक्का? पक्का सर। क्या बात है यार, क्या करता हूँ मैं भी तुम्हें पहन के दिखा देता हूँ कि हेलमेट मेरे पे क्या सूट कर रही है। ओके ये रही गाइस हेलमेट, ये ब्रांडिंग टैग मैं उतार ही देता हूँ, अब ऑफिशियली हेलमेट जो है वो हमारी हो गई है। थोड़ी बहुत ही मैं तुम्हें बॉडी भी दिखा दूंगा अपनी, ऐसी कोई बात नहीं है। गाइस कमेंट करके बताना हेलमेट कैसी लग रही है। ओके अगर इसमें वो फ्लिपेबल वाला मिल जाता ना जिसको हम बटन दबा के एकदम अपना वाइजर ओपन कर देते तो बहुत अच्छी बात थी। देख सकते हो मेरी बॉडी, पहले मैं जाता था जिम बट अब मैंने छोड़ दी थी। बाकी सब छोड़ो यार, बाकी बातें तो होती रहेंगी, हेलमेट कैसी लग रही है? अच्छे से यार, जब थोड़ा बजट वगैरह बनेगा तब इससे ऊपर का ब्रांड लेंगे। हमारे मुसावर भाई ने बोला था जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आना, देखो मैं ड्यू लेके आया हूँ। मजा आ गया, कैसा लग रहा हूँ मुझे कमेंट करके बताना। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है ये हेलमेट। अभी मैं निकलूंगा एक छोटी सी राइड मारने, क्योंकि इस हेलमेट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। उस हेलमेट के साथ मेरे को ये मिला वेगा की तरफ से की चेन, करते स्कूटी को स्टार्ट। तो यार मैं जरा आया था यहाँ हाईवे पे ब्लॉग बनाने के लिए, तो नई हेलमेट कैसी लग रही है वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना। पेड़ पौधे कैसे हमारे चले, फिर थोड़ा सा निकलेंगे आगे सिद्रा की तरफ शॉर्ट राइड मारने का। तो गाइज सिद्रा का प्लान जो है ना वो हो गया पूरा कैंसिल, मेरे को वे मॉल के पास ना एक अंकल मिल गए हैं, उन्होंने बोला कि यार बेटा मेरे को आगे तक छोड़ दे। तो अभी उन्हीं को छोड़ने के लिए मैं निकल रहा हूँ आगे के लिए सैनी कॉलोनी के लिए। इधर पेड़ की हालत देखो यार, पेड़ बोल रहा है यार मेरे को रहना ही नहीं है इधर, यहाँ से अंदर आगे से आगे। मैं किसी काम से जा रहा था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, काम जाए बाबा जी आपको सफल करेंगे। मैं जा रहा था सिद्रा। सिद्रा? हाँ जी। कोई बात नहीं सिद्रा, आप जाओ आराम से, बाबा जी आपको सारे मनोकामना पूरी। बस अंकल जी दुआ करना। दुआ गुरु पे आके, आपको बोला गुरु ने सब कुछ करना, वही दुनिया ही पालन करना है। बिल्कुल सर सब करेगा गुरु, आपने मुझे इधर पहुँचा दिया, अभी आपका सब कुछ गुरु ने कर देना, देख लेना तुम। हाँ जी देख लेना, तो सब जिस काम पर तो सफल हो जाएगा। चलो शुक्रिया, आपने बोला मैंने, मैं धूप में कहाँ हो गया अब।
और टाइम हो चुका था बहुत पहले ही, अभी तो पहुंच गया मैं। बहुत दुनिया आती है, 8-10 हज़ार बंदा बैठ सकता है। हाँ थैंक यू, बस बस मैं इतना ही चलिए ना, ये जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया तेरा बेटा। और भाई यहाँ पे काम कर रहे थे, इनको अपना सारा सामान उठाना पड़ा यार, हवा इतनी तेज चल रही है। क्या उठा दिया सारा सामान? हवा चल रही है भैया, सारा कुछ उड़ल जाता यार। हाँ हवा बड़ी तेज चल रही है। घर गए थे आप? घर गया था मैं 29 तारीख को गया था। अच्छा, वहाँ मजा आता है जम्मू में? जम्मू में मजा आता है। उधर क्या है, उधर यहाँ खाली खाली होता होगा जी, और उधर रश होता होगा जी। मैं गया ही नहीं कभी यार, मेरे को पता ही नहीं। अच्छा, ये जो वीडियो चल रही है, हाँ ये नेट पाएगी? नहीं। हाँ डालूंगा। किस किस पाएगी? मेरे चैनल पे आएगी ना। तुम्हारा कौन सा चैनल है? दो फोन दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। ये वाला चैनल है मेरा, यहाँ से ये नोटिफिकेशन ऑन कर दो ना, जब वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। यार अभी भाई को कुछ कस्टमर्स आ गए, तो भाई गए अपने कस्टमर से मिलने के लिए, मेरे को बोला 2 मिनट वेट करने के लिए। इस हेलमेट वगैरह मैंने उतार दिया है, आप लोगों को अपनी थोड़ी शक्ल वगैरह भी तो दिखाऊं। और हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही हो क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। अभी कहाँ यार, डालूंगा ना अभी? डाली नहीं अभी, नहीं मैं कल डालूंगा सुबह 8 बजे। और क्या, आओ बैठो बात करते हैं। बैठो सर, पूरा दिन खड़े रहते हो गए यहाँ पे? नहीं बड़े भाई, कुर्सियाँ दो है। अच्छा कुर्सियाँ है? हाँ जी, अभी जो बात कर रहे हैं ये भी? हाँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, और बताओ। दिखाऊंगा ना आपको, लोगों को बोलूंगा ना भाई इधर आके यहाँ से बाइक से सामान लेके जाओ। हाँ है ना, धूप में तो बड़ी हालत खराब होती होगी। बहुत ज्यादा भाई, आज इतनी गर्मी थी, मैंने सुबह इधर आया मैं 8:30 बजे। अच्छा, मैंने इधर दुकान लगाई, मेरे को चक्कर आने लगे यार। हाँ गर्मी थी मेरे भाई, फिर दुकान यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा यहाँ पे। हाँ जी, उधर से बंदा आया, उसको बुलाया भाई, पानी पिला, मैं दुकान से एक बिस्लेरी की बोतल मंगाई। अच्छा, पानी पिलाया, जब जाके फिर चादर बर्फ के ऊपर रखी, बांधी, फिर भिगो के। गर्मी में मुश्किल होता होगा बड़ा, है मुश्किल। सर्दियों में भी होते हो यहीं पे? सर्दी में मैं इधर ही रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। उधर पे ठंड होती है कि गर्मी? नहीं सर्दी में इधर सर्दी नहीं होती इतनी। हाँ, जितनी हमारे उधर ज्यादा होती है, मेरठ में ज्यादा होती है। अच्छा, क्योंकि इधर क्या ना, हमारे उधर कोहरा पड़ता है। अच्छा, इधर कोहरा नहीं पड़ता, इधर पड़ता है पाला। हाँ बर्फ, तो उसकी वजह से यहाँ पे धूप निकल जाती है जल्दी। हाँ हमारे उधर जल्दी धूप नहीं निकलती। दिन को मतलब कितना एक बिक जाता है आपको? दिन में बिक जाता है 13-14, 20-15, 20-17, 20, बस काम निकल जाता है उससे। हाँ बन जाते हैं 850-900 रुपये। अच्छा, गर्मी में तो यार हमें अंदर नहीं बैठने होता। आओ बैठो। चलो भाई जी, चलता हूँ मैं फिर। ठीक है, मिलके बड़ा अच्छा लगा, सुबह मैं 8 बजे डालूंगा। ठीक है, ठीक है। तो यार आके भाई से जरूर सामान लेके जाना यार, थोड़ा बहुत मेरा नाम लोगे तो डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यार। गर्मी में यार हमें अंदर नहीं बैठने होता यार, ये लोग पूरा दिन बाहर रह के ना अपने लिए काम करते हैं यार। और भाई बता भी रहे थे कि उनको सुबह चक्कर ही आ गए यार।